हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि आखिर कब तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको लेकर के परेशान हो रहे हैं क्योंकि अभी लास्ट अप्रैल चल रहा है, बट अभी तक ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है इसके रिगार्डिंग। साथ ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कब तक आपके होने के चांसेस हैं, साथ ही इस बार जो एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो CUCET के थ्रू होगा या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे हर साल अपना एक एडमिशन लेता था उसी तरीके से इस बार भी एडमिशन लेगा। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में डिटेल में कवर किया जाएगा। तो अगर आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तो बात करें सबसे पहले यहाँ पे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 6 अप्रैल 2021 को। इसमें बताया गया था कि सेशन 2021 टू 2022 के लिए एडमिशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत जल्द शुरू होने वाला था इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, बट जैसे ही ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया इसके कुछ दिन के बाद ही COVID-19 का सेकंड वेव काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा, जिस वजह से डिफरेंट बोर्ड्स के एग्ज़ाम कैंसिल और पोस्टपोन होने लगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो चुका है। कब तक हो चुका है? 1 जून तक वो पोस्टपोन हो चुका है। अब आगे बात करें, जब कोविड नहीं था तब जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को रिलीज़ हो जाता था। जब कोविड नहीं था तब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज़ होता जाता था, बट अभी अप्रैल का लास्ट सेशन चल रहा है तो अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। और जब कोविड नहीं था तो उस समय जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता था, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या फिर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हो, तो एग्ज़ाम्स जो होता था वो लगभग अप्रैल में कम्प्लीट हो जाता था। जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 अप्रैल को, तो उस समय जो डेट शीट था CBSE का वो आ चुका था और कोई पोस्टपोनमेंट का न्यूज़ नहीं था। बट इसके बाद ही जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया इसके कुछ दिन के बाद ही जो वेव है काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा और एग्ज़ाम्स पोस्टपोन यहाँ पे होने लगे। CBSE का जो एग्ज़ाम है ये 1 जून तक पोस्टपोन हो गया है। तो इस बात को ध्यान रखें, मान लीजिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 जून को CBSE अगर डेट शीट रिलीज़ कर देता है या फिर एग्ज़ाम का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देता है, चाहे वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए या फिर कोई डेट शीट रिलीज़ कर दे कि हाँ इतना से इतना तक एग्ज़ाम CBSE का चलने वाला, तब हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दे। मान लीजिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जून में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करता है तो आपको 1 महीने का टाइम मिलता है इसे फिल करने का, यानी कि जो पोर्टल होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो 1 से 1.5 महीने के लिए ओपन रहता है। तो आपको जून से लेकर के जुलाई तक तो आपको इसको फॉर्म फिल करने का समय दिया जाएगा। तो कह सकते हैं या जो एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर जो भी एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये अगस्त से सितंबर के बीच होने के चांसेस हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन ले। अब हम लोग बात करें कि इस बार जो एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो क्या चांसेस हैं, किस तरीके से एडमिशन हो सकता है, किस पैटर्न पे हो सकता है। तब ये बात करें तो 3 तरह का बात यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। सबसे पहले जो आया है वो 50-50% वेटेज के बारे में, यानी कि 12th बोर्ड अगर आपका हो जाता है तो 50% वेटेज 12th बोर्ड को दिया जाएगा और 50% वेटेज CUCET को दिया जाएगा, जो कि ऑफिशियल दिल्ली यूनिवर्सिटी के तरफ से बताया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के द्वारा इंटरव्यू में ये बताया गया था कि 50-50% का वेटेज दिया जाएगा 12th बोर्ड को और 50% वेटेज दिया जाएगा CUCET को, ठीक है। बट इसके काफ़ी एडमिशन जो होगा वो आपका एडमिशन काफ़ी डिले हो जाएगा। अगर CUCET जो होगा तो वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होगा तो उसको कंडक्ट करने में 1 से 1.5 महीने का टाइम तो वैसे ही लग जाएगा, तो एडमिशन इसमें डिले होने के काफ़ी चांसेस हैं। मान लीजिए अगर बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है क्योंकि कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर CBSE का जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो जाता है तब 100% जो वेटेज है वो CUCET को दिया जाएगा। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने एक प्रिंट मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होगा अगर 12th बोर्ड कैंसिल हो जाता है तब जो एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो CUCET के थ्रू होगा और जो वेटेज होगा वो 100% CUCET को दिया जाएगा। और जो थर्ड आस्पेक्ट है, जो कि सबसे लास्ट आस्पेक्ट है, वो है आपका
मेरिट बेस यानी कि मेरिट बेस एडमिशन, यानी कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हर साल एडमिशन लेता था अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, उसी तरीके से एडमिशन ले सकता है, यानी कि कुछ कोर्सेज का मेरिट बेस और कुछ कोर्सेज का एंट्रेंस बेस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद उसे कंडक्ट करवाता था। तो ये सभी तीन आस्पेक्ट हैं, यहाँ पे चांसेस हैं कि इसी तरीके से कुछ हो सकते हैं, बट ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये सभी एक आस्पेक्ट हैं, ये सभी एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है कि ये सब चांसेस हो सकते हैं, बट जो भी आपको तीन पॉइंट बताया गया वो सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के द्वारा एक इंटरव्यू में आपको बताया गया है। इसके ऊपर हमारे पास ऑलरेडी वीडियो बनाया गया है, जितने भी ऑफिशियल अपडेट्स आए थे तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।